हेलो व्यूवर्स, आज हमने आपके साथ निनवे की सब्जी की रेसिपी शेयर की है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ हमने इसमें बेहतरीन फ्लेवर दिया है। थोड़ा सा निनवे की सब्जी के साथ हमने आलू भी इसमें मिलाया है, जिससे इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये बनती भी बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही उम्दा किस्म की ये सब्जी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सब्जियों के अपने टेस्ट में मैंने इसे बनाया है फ्रेंड्स। थोड़े से बहुत ही कम माइल्ड मसालों के साथ इसके टेस्ट में मैंने चार चांद लगा दिया। तो एक बार इस रेसिपी को आप लोग जरूर बनाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रात के डिनर के लिए हमने ये सब्जी बनाई थी और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरा कुकिंग। बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको इसका टेस्ट उम्दा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का दिल करेगा। ये टेस्ट भी बहुत ही उम्दा किस्म की है और फ्रेंड्स थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है। चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो हमने 1 kg हमने निनवा लिया था फ्रेंड्स। तो इसको हमने अच्छे से मतलब इसके छिलकों को निकाल लिया और इसको बढ़िया से हमने धो लिया था। धोने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया। जब भी आप निनवा लीजिएगा थोड़ा सा मोटे साइज के लीजिएगा, इसलिए फ्रेंड्स बहुत ही पतला अगर निनवा आप ले लोगे ना तो इसमें बहुत ढेर सारा छिलका निकल जाएगा, तो इसका गूदा बहुत कम निकलेगा, तो हम लोग सब्जी क्या बनाएंगे। तो जो हम निनवा आपको दिखा रहे हैं इसी तरीके का निनवा लीजिएगा। इसमें आपका बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और गूदा थोड़ा सा बढ़िया निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो बस फ्रेंड्स, इधर हमने थोड़ा सा एक लार्ज साइज का आलू लिया था और आलू को हमने इस तरीके से कट कर लिया। थोड़ा महीन महीन हमने कट किया था। आप चाहें तो मीडियम साइज का आलू आप ले सकते हो। 2 मीडियम साइज के हमने प्याज को रफली चॉप किया फ्रेंड्स। इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया। इधर हम गैस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो गैस के फ्लेम को ऑन करके फ्रेंड्स हमने इसमें 1 दाल वाला चम्मच जो होता है उसमें हमने भर करके इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। इसके बाद जब अच्छे से ऑयल हमारा हीट हो गया, इसके बाद फ्रेंड्स हमने ये जो प्याज है हमारी कटी थी रफली चॉप के तहत फ्रेंड्स इसमें डाल करके इसको हम थोड़ा सा गोल्डन लाइट गोल्डन होने तक फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें सोंधी सोंधी से खुशबू हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हल्का सा मसाला मिलाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब ये लाइट गोल्डन हाफ डन हो जाएगी फ्रेंड्स, तब इसमें हमने 1/2 teaspoon इसमें हमने जीरा डाल दिया और जीरे को थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे ताकि जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू को आप हमने थोड़ा सा बड़ा साइज का आलू लिया था फ्रेंड्स। आप थोड़ा मीडियम साइज का आलू ले सकते हो या आलू को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट लोगों तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा। बहुत से घरों में आलू बहुत पसंद किया जाता है फ्रेंड्स, तो खासतौर पे बच्चों बिना आलू के रह ही नहीं पाते। तो मेरी बिटिया भी बहुत शौक से आलू खाती है, तो मैंने आज निनवा में आलू डाल के बनाया है और वो अच्छे से इसको खा लेती है फ्रेंड्स, और मुझे भी बहुत ही बढ़िया ये सब्जी लगती है। तो फ्रेंड्स अच्छे से 2 से 3 मिनट आप अच्छे से आलू को फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आलू अगर फ्राई हो जाएगा तो आलू की जो सब्जी बनेगी ना निनवा के साथ, उसमें आलू बहुत ही सोंधा सोंधा सा इसमें खुशबू आएगी फ्रेंड्स। इसके बाद हमने सारे निनवा को इसमें डाल दिया। डालने के बाद हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसको भून लेंगे। जैसे हम भूनेंगे ना तो थोड़ा सा ये सिकुड़ने लगेगा और ये थोड़ा सा पानी भी रिलीज करने लगेगा, तो फिर अच्छे से बर्तन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको आप इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून लीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से जब फ्रेंड्स थोड़ा सा हमारा भून जाएगा तो इसमें बहुत ही हल्के से मसाले मैं आपको मिला के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स 1/4 teaspoon के करीब हमने इसमें हल्दी डाला है और फ्रेंड्स 8 से 10 आप इसमें हरी मिर्च ले लीजिएगा। तो हम लाल मिर्च का सेवन बहुत ही कम करेंगे, बस नाम के लिए। तो कोशिश करेंगे कि सब्जी के अपने फ्लेवर में हम इस सब्जी को बनाएं। तो हमने 1 teaspoon इसमें हमने फ्रेंड्स नमक ले लिया था, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। वैसे अगर नमक शुरू में कम लेंगे तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स 1 teaspoon के करीब हमने इसमें डाला है नमक। इसके बाद हम इसको ढक करके 5 से 7 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद तकरीबन 7 मिनट के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया था। इसके बाद हम इसके लिड को खोल करके थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, ताकि प्रेस दबा दबा के ताकि निनवा अच्छे से ये थोड़ा सा सिकुड़ जाए फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए डालिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 2 हमने मीडियम साइज के टमाटर को चॉप कर लिया था। थोड़ा फाइन चॉप करिएगा, क्योंकि इसमें टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ा सा महीन महीन चॉप करके फ्रेंड्स आप इसमें डाल दीजिएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स 1/4 teaspoon हमने इसमें भुजा रोस्ट किया हुआ, इसमें जीरा डाल लेते हैं और 1 tablespoon भर के फ्रेंड्स हमने इसमें कसूरी मेथी डाल लेते। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा। एक बार आप हमारी तरीके से इस सब्जी को जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगेगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स 1/2 teaspoon से थोड़ा कम हमने इसके अंदर लाल मिर्च डाला है। 1/4 teaspoon फ्रेंड्स हमने इसमें
गरम मसाला डाला है फ्रेंड्स, और हाफ टी स्पून के करीब हमने इसमें चाट मसाला डाला है। तो जितने भी मसाले बता रही हूँ फ्रेंड्स, बस इतने ही मसाले आप डालिएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। और फ्रेंड्स अभी मैं आलू आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हाफ डन से ज़्यादा ये गल गया, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें कसक रह गई है और थोड़ी सी निनवा भी कसक रह गई है। तो हम इसको फ्रेंड्स अच्छे से ढक करके तकरीबन 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फिर से पकाएंगे। तो अच्छे से इसको ढक दीजिएगा और 5 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद फ्रेंड्स हमने इसे खोला है। और खोलने के बाद फ्रेंड्स अच्छे से हम इसको चला दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से अब इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये बहुत ही बढ़िया से गल गई। और थोड़ा सा आलू अगर गल जाएगा तो नेनुआ के साथ इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा मैश करके चला लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया से हमारा नेनुआ भी गल गया और आलू भी बहुत ही अच्छे से तो हो गए फ्रेंड्स। तो इस स्टेज पर आप चाहे तो गैस को ऑफ कर दीजिए, चाहे तो हाई फ्लेम करके थोड़ा सा आप सुखा लीजिए। मैंने इसी स्टेज पर फ्रेंड्स इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं खोल के आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा ढकने के बाद ये थोड़ा सा पानी इसका सूख जाता है। देखिए इस तरीके से अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। रात के 9 बजे और मेरा इस वक्त डिनर का टाइम है, तो ऐसी वीडियोस बनाती हूँ कि वीडियो भी शूट हो जाए और हमारा डिनर के लिए वो रेसिपी मेरे काम भी आ जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बताया, दाल चावल के साथ हमने इस सब्जी को बनाया है। मेरे बच्चे बहुत शौक से इसे खाते हैं, खासतौर पर हमारी छोटी वाली बिटिया बहुत ही शौक से आलू खाती है। आलू के अलावा इसे कोई भी सब्जी पसंद नहीं। इस तरीके से आप बच्चों को भी दे सकते हो, तो ग्रीन वेज के साथ आप आलू भी बच्चों को इसी तरीके से खिला सकते हो। इसी तरीके से कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा वेजिटेबल ग्रीन वेज है, वो भी हमारे बच्चे आसानी से खा ले। तो थोड़ा सा हमने टेस्ट करके भी आपको दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके फ्रेंड्स मैं शुरू हो रही हूँ। और देखिए कितना बढ़िया से इसमें आलू गल गया है और थोड़ी सी सब्जी को हमने रसीले बनाए हैं, जो रोटी के साथ ये बहुत ही उमदा लगेगी। तो एक बार आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखने में फ्रेंड जितना ये बढ़िया लग रही है, टेस्ट भी उतना ही बढ़िया है, आप बिलीव करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड, वेज रेसिपीज, नॉन वेज रेसिपीज, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।